एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठ शाला। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में किसी टेबल को कैसे क्रिएट करा जाए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एमएस वर्ड ओपन है और यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जो कि टेस्ट मार्कशीट की है। जनरली इसमें कुछ एक दो स्टूडेंट्स के मार्क्स और सब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। तो अगर हमें एक ऐसी टेबल तैयार करनी है तो हम लोग कैसे एक टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे उसको क्रिएट करेंगे, कैसे सेल्स को मर्ज करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो टेबल क्रिएशन सीखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है जो कि मेरा ओपन है, और हमें क्या करना है उसके बाद इंसर्ट वाले ऑप्शन में आना है। इंसर्ट टैब में आएंगे जैसे ही, उसके बाद आपको यहाँ पर टेबल का ऑप्शन दिख रहा है। टेबल के ऑप्शन में आएंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रो और कॉलम दिए हुए हैं, आपको सिर्फ वन क्लिक में उसको इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सेल्स को इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग आपको दिख रही होगी, ये हेडिंग हमें डालनी है टेस्ट मार्कशीट वाली। तो देखिए क्या करना है हमें, ये देखिए एक सेल में पूरी हेडिंग पड़ी हुई है, तो हमें भी क्या करना है सेल्स को मर्ज कर लेना है। तो मर्ज करने के लिए आपको क्या करना है, चारों सेल्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको लेआउट में आना है। ये लेआउट ऑप्शन, टेबल डिज़ाइन, ये दोनों ऑप्शन तब आपके हाईलाइट होते हैं, तब आते हैं जब आप टेबल को क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप टेबल को क्रिएट करते हैं, टेबल को डिज़ाइन करने के लिए, उसमें एडिटिंग करने के लिए, ये दो ऑप्शंस आ जाते हैं, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। तो हम लोग लेआउट में आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर ली ऑलरेडी सेल्स। किसी भी काम को करने से पहले हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो हम लोग ने यहाँ पर चारों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे मर्ज कर लेना है। ये मर्ज सेल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ये जो चार सेल्स थी वो आपकी मर्ज करके एक सेल में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। अब हम उनको यहाँ पे हेडिंग डाल लेनी है, जैसा कि यहाँ पे पड़ा हुआ है टेक्स्ट मार्कशीट, हम लोग फिलहाल शॉर्टकट में डाल लेते हैं टेक्स्ट मार्क्स। तो ये हेडिंग हम लोग ने डाल ली, उसके बाद हम लोगों को इसको सेंटर में लाना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये सेंटर है, अलाइनमेंट यहाँ पर सेंटर हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए हेडिंग दी हुई है नेम, तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। नेम है, रोल नंबर है आपका, देन आपका सब्जेक्ट है और आपका ग्रेड है। तो देखिए हम लोग ने हेडिंग यहाँ पे डाल ली है। अब देखिए हमें यहाँ पे 5 कॉलम्स चाहिए क्योंकि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो हम लोग रोज को इंसर्ट करने के लिए लास्ट सेल पे आके टैब प्रेस कर सकते हैं, या फिर लेआउट ऑप्शन में ही आपको इंसर्ट बिलो या अबव का यूज़ करके 5 रोज को इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 5 रोज हम लोग के पास हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग पूरी टेबल के नाम और ये सब लिख पाएँ। तो यहाँ पे कुछ ग्रेड भी हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने सब्जेक्ट और ग्रेड लिख लिया है, तो ये सब्जेक्ट और ग्रेड एक ही बच्चे के होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के। तो हम लोग को क्या करना है, इन सेल्स को यहाँ पर मर्ज कर लेना है, सेल को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर मर्ज कर देना है। फिर आपको स्टूडेंट का नाम लिखना है, जो भी स्टूडेंट का नाम हो। रोल नंबर में भी यही करना है, हम लोगों को मर्ज कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये टेबल ऑलमोस्ट क्रिएट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ एडिटिंग कर देनी है, जैसे कि आपको हेडिंग को बोल्ड कर देना है, साइज बड़ा कर देना है, और यहाँ पे भी हेडिंग्स हैं, इनका भी हम लोग थोड़ी सी इनमें भी एडिटिंग कर देते हैं, इससे ये हेडिंग्स लगे। तो ये हो गया, उसके बाद आपको लेआउट में आके इन दोनों को यहाँ पे सेंटर कर देना है। उसके बाद हम लोग इसको साइज को बड़ा भी कर सकते हैं, और जैसे भी आप एडिटिंग चाहें, आपको जैसे भी डिज़ायर हो, तो यहाँ पे एडिटिंग हम लोग ने कर ली है। अब हम लोग अगर इसमें कुछ डिज़ाइन लगाना चाहें, जैसे कि मान लीजिए सेम डिज़ाइन हमको अप्लाई करनी है, तो हम लोग कैसे लगाएंगे, आपको यहाँ कॉर्नर से पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, देन आपको टेबल डिज़ाइन में जाना है। टेबल डिज़ाइन में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, बहुत सारी डिज़ाइंस आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। तो आप किसी भी एक डिज़ाइन को क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। जैसे कि हम लोग इस डिज़ाइन को चूज कर लेते हैं, तो देखिए सेम डिज़ाइन मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। तो आप भी ऐसे ही टेबल को बना सकते हैं। उम्मीद है आपको टेबल बनाना आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और GS करेंट सीटेट एटेट से रिलेटेड पोस्ट को पाने के लिए हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद है सेशन आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, आपके काम आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।